आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ गूंधे हुए आटे की बहुत ही आसान, बहुत ही नई चटपटी सी रेसिपी, जिसे आप रात के बचे हुए गूंधे आटे से आसानी से सुबह के टाइम में बना सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बच्चों को तो ये काफी ज्यादा पसंद आती है और काफी ज्यादा हेल्दी भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं झटपट से। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास गूंधा हुआ आटा है, जो रात का बचा हुआ आटा है। आपके पास जितना भी आटा बचा हुआ हो उसे आप ले सकते हैं या फिर इसके लिए आप अलग से भी आटा गूंध सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 गिलास पानी चढ़ा दिया है, इसमें उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। जैसे ही पानी में उबाल आता है आप गैस की फ्लेम को धीमा कर दें। अब हम पानी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक और साथ ही में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। कोई भी तेल यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमारा नाश्ता चिपकेगा नहीं। एक बार चम्मच चला लेते हैं ताकि सभी चीज़ें पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इस गूंथे आटे को इस तरह से एक सीजर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डालते जाएंगे। पूरे आटे को हम ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसमें डालते जाएंगे। ये बहुत ही आसान है करना और बहुत ही अच्छा सा शेप आता है इससे। तो यहाँ पे मैंने सभी को कट करके कढ़ाई में डाल दिया है। इसे डालने पर टेम्परेचर जो है पानी का थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर से हम इसे हाई पे कर देंगे और इसे उबाल लेंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए। 5 से 7 मिनट के अंदर ही अच्छे से उबल जाएगा। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से ये उबल चुका है और अंदर तक पक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे छान लेंगे एक छन्नी की सहायता से, सारा पानी इसमें से हटा दें। आप चाहे तो इसे ठंडे वाटर में भी डाल सकते हैं, यानी कि बर्फ के पानी में, जिससे कि बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा। बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये देखिए खूब अच्छे से ये पक चुका है, तो इसे रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं आगे की तैयारी में। अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा चटपटा सा नाश्ता है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। देखिए तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे 1 छोटे साइज का लंबाई में कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ बारीक कटी हुई सब्जियां। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबाई में कट किया है। जितनी भी सब्जियां ऐड करें उन्हें लंबाई में ही कट करके ऐड करें। इसमें कुछ और सब्जियां भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, बट मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी तो मैंने यही ऐड की है। यहाँ पे 2 मिनट तक सब्जियों को मैंने इसी तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पे पका लिया है। हल्की सी ये गल गई है, तो बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1/4 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1/4 छोटा चम्मच ही ऐड कर देंगे विनेगर और अच्छे से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो इन सभी सॉसेस और केचप की जगह पे आप एक सेजवान चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को मैंने, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पास्ता जो हमने बना कर रखा था, यानी कि उबाल कर रखा था। तो इसे डालने के बाद अच्छे से जेंटली मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। चटपटा, मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी, यूनिक सा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है, जिसके सामने अच्छे अच्छे पिज्ज़ा, पास्ता और चाउमीन फेल हैं। बच्चे जब भी अब पास्ता की जिद करें तो उन्हें इस तरह से आप बनाकर दे सकते हैं। तो इस बार अगर आटा बच जाए ना तो उससे ये ट्राई करें। बहुत ही गजब का नाश्ता है, सबको पसंद आने वाला है, बड़े हो या बच्चे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।